अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर क्लास टीचर, माय नेम इज़ अंबर। आज मैं आपको साइंस का यूनिट 7 एक्सप्लेन करूँगी। यूनिट 7 है फूड चेन्स। व्हाट इज़ अ फूड चेन? फूड चेन क्या है? फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स। फूड लिविंग थिंग्स को एनर्जी देते हैं। एनर्जी गोज़ फ्रॉम वन प्लांट और एनिमल टू अनदर। एनर्जी एक पौधे या जानवर से दूसरे तक जाती है। ईच टाइम एन एनिमल इज़ ईटन, जब भी किसी जानवर को खाया जाता है, इट्स एनर्जी इज़ पास ऑन द एनिमल दैट ईट्स इट। तो उसकी एनर्जी उसको पास होती है जो जानवर उसको खाता है। द वे इन विच लिविंग थिंग्स आर लिंक टुगेदर बाय देयर फूड इज कॉल्ड अ फूड चेन। जिस तरह से खाने पीने से लिविंग थिंग्स आपस में जुड़ती हैं तो उसे फूड चेन कहा जाता है। अ फूड चेन शोज हाउ लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन ईच अदर। फूड चेन से पता चलता है कि किस तरह लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंड्स हैं। इफ़ वन पार्ट ऑफ द फूड चेन इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर फूड चेन का एक हिस्सा तबाह हो जाए, इट कैन अफेक्ट द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये दूसरे पौधों और जानवरों को मुतासिर कर सकता है। द फोर मेन पार्ट्स ऑफ द फूड चेन। फूड चेन के चार अहम हिस्से, सबसे पहले है सन यानी सूरज। द सन इज़ नेसेसरी टू फूड चेन। फूड चेन के लिए सूरज ज़रूरी है, बिकॉज इट गिव्स प्लांट्स द एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड, क्योंकि इससे पौधों को अपना खाना बनाने की एनर्जी मिलती है। प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, पौधे प्रोड्यूसर्स हैं, एज दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्योंकि वो अपनी गिज़ा खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी के ज़रिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इफ़ एन एनिमल ईट्स द प्रोड्यूसर, अगर कोई जानवर प्रोड्यूसर खाता है, इट विल गिव द एनर्जी फ्रॉम द प्लांट, तो उसे पौधे से एनर्जी हासिल होगी। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स आर ऑल लिविंग थिंग्स, कंज्यूमर तमाम लिविंग थिंग्स हैं, दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, यानी वो तमाम लिविंग थिंग्स हैं जो अपनी गिज़ा खुद नहीं बनाते हैं। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, तमाम जानवर कंज्यूमर्स हैं, सिंस दे कैन नॉट बेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपनी गिज़ा खुद नहीं बना सकते हैं। कंज्यूमर इंक्लूड, कंज्यूमर्स में शामिल हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और स्कैवेंजर्स। हर्बीवोर्स जो हैं वो पौधे खाते हैं, कार्निवोर्स जो है वो गोश्त खाते हैं, ओमनीवोर्स जो है वो इंसानों की तरह पौधे और गोश्त दोनों खाते हैं, स्कैवेंजर्स जो हैं वो डेड बॉडीज़ खाते हैं जानवरों की। यहाँ पर जैसे बियर के बारे में बताया गया है, बियर जो है वो एक रीच को कहते हैं। बियर ओमनीवोर्स है क्योंकि वो पौधे और गोश्त दोनों खाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे परिंदे हैं जैसे काउस, वुलचर्स गद को कहते हैं। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि मैगॉट्स, ये भी एक कीड़ा है, फ्लीस पशु को कहते हैं। ये सब जो हैं वो स्कैवेंजर्स हैं। डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स आर लिविंग थिंग्स, डीकम्पोजर्स लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि चूटी, मक्खी, फंजी और बैक्टीरिया, इस तरह के जो होते हैं ना वो डीकम्पोजर्स होते हैं। फंजी एंड बैक्टीरिया जो हैं वो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, विच कैन ओनली बी सीन विद अ स्पेशल माइक्रोस्कोप, जिसको एक खास माइक्रोस्कोप के साथ देखा जा सकता है। दे ब्रेक अप द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन टू स्मॉलर पार्ट्स, वो जानवर और पौधों की डेड बॉडीज़ को छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। डीकम्पोजर्स आर नेसेसरी, डीकम्पोजर्स ज़रूरी हैं, सिंस दे रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स टू बी यूज अगेन, टू बी यूज अगेन बाय प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को दोबारा प्रोड्यूसर्स के इस्तेमाल में लाएंगे। डीकम्पोजर्स विदाउट डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स के बगैर द अर्थ वुड बी कवर्ड विथ लेटर, जो हमारी ज़मीन है वो गंदगी से कवर्ड हो जाएगी। ऑब्जर्व दिस फूड चेन, आपको यहाँ पर एक फूड चेन दिया गया है, आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें। वॉट वुड हैपन इफ़ ऑल द स्नैक्स वर किल्ड, अगर सब सांप मर जाते तो क्या होता? अब यहाँ पर सबसे पहले है पौधा, पौधा जो है वो द प्लांट मेक्स फूड यूजिंग सनलाइट, अपनी गिज़ा खुद बनाते हैं किसके ज़रिए? सनलाइट के ज़रिए।
अब ये जब अपनी गिज़ा खुद बनाते हैं और इसमें जब पौधे निकलते हैं, द कैटरपिलर ईट्स लीव्स, कैटरपिलर जो हैं वो पत्ते खाते हैं, द फ्रॉग ईट्स द कैटरपिलर, अब मेंढक जो है वो कैटरपिलर को खाते हैं, द स्नैक ईट्स फ्रॉग, फ्रॉग को जो है वो सांप खाते हैं, द फॉक्स हंट्स एंड ईट्स द स्नैक, जो फॉक्स है फॉक्स लोमड़ी को कहते हैं, ये सांप का शिकार करती है और उसको खाती है, द फूड चेन इज़ इम्पॉर्टेंट, फूड चेन भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स टू पास एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर, क्योंकि इससे जो है वो एनर्जी पास होती है एक लिविंग थिंग से दूसरे लिविंग थिंग तक।